हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडयाल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। सो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे एंड पिछले लेक्चर तक हमने स्पेंसेरियन पोएट्स ले लिए हैं, बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत गाइडेंस के साथ। और आज हम शुरुआत करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री और मेटाफिजिकल पोएट्री से संबंधित जो पोएट्स हैं उनकी। ओके, तो सभी अपनी सीट की पेटियां बांध लें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ये क्या होता है। ऐसे अगर आपको याद हो, मैंने ऑलरेडी आपको मेटाफिजिकल पोएट्री पिछले लेक्चर में बताया था। दोस्तों, इसमें जो मेटा है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि परे, किसी चीज़ से ऊपर। फिजिकल का मतलब होता है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। ठीक है, पोएट्स हो गया कवि। तो मेटाफिजिकल बियॉन्ड नेचुरल, प्रकृति से ऊपर। जब आप कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हो जो नॉर्मल एक पर्सन जिससे रिलेट ना कर पाए, कुछ हटके आप चीज़ बोल रहे हो जो थोड़ा सा ऊपर से जाए पर फिर समझ आ जाए। ठीक है, मेटाफिजिकल बियॉन्ड नेचर, नेचर से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था, अगेन मैं देती हूँ। जैसे जो पुरानी मूवीज होती थी उसमें जब रोमांटिक सीन शो करते थे तो पेड़ के पीछे चले जाते थे, है ना, कपल, एंड पेड़ के आगे हम दो फूल को मिलते हुए बताते थे, तो हमको पता लग जाता था कि रोमांस चल रहा है, दो फूल को हम मिलते हुए बताते थे। वैसे ही जॉन डन हैं, जो मेन इसके कर्ता धर्ता राइटर है, उन्होंने कैसे कपल को शो किया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जो कंपास होती है, कंपास नहीं होती प्रकार जिसे हम स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं और एक तरफ नुकीला सा कोना होता है ना। तो डन ने कहा जो प्रेमी कपल है वो उस कंपास की तरह है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, जिसके अगर एक भी अलग हो गया तो वैल्यू नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली। जैसे जो कंपास है, प्रकार है, उसमें अगर नुकीली वाली साइड अगर हम हटा देंगे तो पेंसिल से हम गोला नहीं लगा सकते, या अकेली अगर पेंसिल है, नुकीली साइड नहीं है, तो भी हम गोला नहीं लगा सकते। यानी कि उन दोनों की वैल्यू तभी है जब वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना। तो उस प्रकार की एग्जाम्पल, एक कंपास से, एक प्रकार से आप एक कपल को जो है रिलेट कर रहे हो, कुछ अलग से हो गया, बियॉन्ड नेचुरल। फूल मिलते हुए बताया तो वो समझ आते हैं, पर ये क्या एग्जाम्पल था। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, वो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्री में यूज होती हैं। ठीक है, मेटा होता है बियॉन्ड, यानी कि उससे परे ऊपर, फिजिकल हो गया नेचुरल, तो नेचर से ऊपर कुछ हटके जब आप चीज़ कहते हो वो हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बेसिकली जो जॉन डन है ये उनका स्कूल है, तो राइटर तो हम बहुत सारे अभी मेटाफिजिकल पोएट्री में लेंगे, पर जो मेन राइटर इससे जुड़े हुए हैं वो है जॉन डन। ठीक है, उनका स्कूल, उनका जॉनर भी हम इसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर जॉनसन ने इस मेटाफिजिकल पोएट्री टर्म का यूज़ किया था जब वो कोले का जिक्र कर रहे थे। अब्राहम कोले राइटर हैं, आपने सुना होगा, तो उनके बारे में जब वो बता रहे थे, उनके बारे में जब मेंशन कर रहे थे डॉक्टर जॉनसन, तो उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था, मेटाफिजिकल को। ओके, और इसके अलावा जॉन ड्राइडन ने 1693 में सबसे पहली बार इस टर्म को यूज़ किया था जब वो डन का क्रिटिसिज्म दे रहे थे। ठीक है, यानी कि जो जॉन ड्राइडन है 1693 में वो डन के बारे में बता रहे थे। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जो भी अच्छा है, जो भी बुरा है, आप ट्रूली फील कर रहे हो उसको बताना। तो डन के बारे में वो जो भी बता रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहली बार ये टर्म जो है 1693 में यूज़ की थी। ठीक है, तो डॉक्टर जॉनसन ने भी ये मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म यूज़ की है अब्राहम कोले राइटर के लिए, और जॉन राइडन ने ये टर्म सबसे पहले यूज़ की थी 1693 में जब वो डन को क्रिटिसाइज कर रहे थे। जॉन डन, जिनका ये स्कूल है पूरा मेटाफिजिकल पोइट्री का, उनके बारे में बता रहे थे। ठीक है, पता लग गया डन। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, यहाँ पर जो मेटाफिजिकल पोएट है उसको गूगल कर लेना है, तो जो भी इनके करेक्टर्स होंगे, जो भी इनसे जुड़े हुए राइटर्स होंगे, वो सब ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर जॉनसन को, अब्राहम कोले को, जॉन ड्राइडन को, और डन तो ऊपर आ गया, इनको भी गूगल कर लेना है।
ठीक है, यानी कि इस वाली स्लाइड में जितने भी राइटर्स आए, जितने भी कोई टर्म आई, वो सब आपने गूगल कर लेना है। ठीक है, फिलहाल पता लग गया ना मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, कंपास वाला एग्जाम्पल, फूलों वाला नहीं, डन का स्कूल है, और पहली पहली बार कब ये टर्म्स यूज हुई और कैसे मेटाफिजिकल के शब्द को तोड़ के ही मैंने उसका मीनिंग आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, स्कूल तो ये डन का है, तो जॉन डन तो एज अ राइटर हमने यहाँ पे पढ़ने ही हैं, पर जो भी बाकी सब राइटर्स भी हैं वो भी हम इसमें बारी बारी से लेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले राइटर हम आपके सामने लेंगे ये, ठीक है, इनका नेम है दोस्तों रिचर्ड क्रॉशॉ। ठीक है, रिचर्ड क्रॉशॉ। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत सारे पोएट के जोनर हैं, कैवलियर पोएट्स हैं, मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, स्पेंसेरियन पोएट्स हैं, ये ना ग्रुप ऑफ पोएट्स हैं जो एक जैसी चीज लिखते हैं, तो हम इनको रख लेते हैं। तो आपने ध्यान से ये सारे करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं और आगे बढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो मेटाफिजिकल पोएट हम लेने जा रहे हैं, डेट इज रिचर्ड क्रॉशॉ। आइए देखते हैं इनकी पर्सन, पर्सोना, पर्सनैलिटी और वर्क को, जो एग्जाम ओरिएंटेड हमारे लिए काम का है। तो दोस्तों, रिचर्ड क्रॉशॉ में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इनकी जो लाइफ थी वो डन की तरह सिमिलर थी ना, जो काफ़ी हद तक इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें रही हैं, जो उतार चढ़ाव रही हैं, वो जॉन डन की तरह रही हैं, और इनकी जो पोइट्री है वो जॉर्ज हर्बर्ट की तरह मैच करती है। ठीक है, तो मतलब ये मेटाफिजिकल पोइट हैं, इन्होंने मेटाफिजिकल काइंड ऑफ पोइट्री लिखी है, तो हम इनको मेटाफिजिकल पोइट्री में पढ़ रहे हैं। तो इनकी जो लाइफ रही है काफ़ी हद तक जॉन डन की तरह है, जो भी लाइफ स्पैन रहा, कहाँ पे पैदा हुए, क्या अपब्रिंगिंग रही, क्या चीज़ें रही। और अगर मैं इनकी पोइट्री की बात करूँ, इन्होंने कविता कैसे लिखी है, वो इनकी जॉर्ज हर्बर्ट से मैच करती है। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट की ना मतलब वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी गूगल करिएगा, उनकी टेम्पल करके पोएम है, वो रिलीजियस काइंड ऑफ चीज़ें लिखते थे। ठीक है, तो लाइफ जो इनकी ज़िंदगी है वो जॉन डन के साथ रिजेंपल करती है रिचर्ड क्रॉशॉ की, और इनकी जो कविता है, पोइट्री है, वो जॉर्ज हर्बर्ट की तरह, यानी कि जिस थीम पे लिखते थे, जैसे लिखते थे, वो वे सारा जॉर्ज हर्बर्ट के सदा है। इसके अलावा दोस्तों, इनके जो वर्क हैं जो हमने करने हैं, एक है फ्लेमिंग हार्ट, ठीक है, फ्लेमिंग हार्ट, एक है हाइम टू सेंट टेरेसा, हाइम टू सेंट टेरेसा एंड स्टेप्स टू द टेम्पल, आप खुद देख लो, सेंट टेरेसा, संत टेरेसा, आगे ना रिलीजियस बात, स्टेप्स टू टेम्पल, टेम्पल की सीढ़ियाँ, आगे ना रिलीजियस बात, और टेम्पल करके ही मैंने बताया था हर्बर्ट की पोएम भी है। तो हर्बर्ट की तरह इनका राइटिंग स्टाइल है, जो ये थीम लेते थे, जो टॉपिक लेते थे, वो उसकी तरह है। ठीक है, ये जो दोस्तों स्टेप्स टू टेम्पल है, ये बेसिकली रिलीजियस पोएम्स की कलेक्शन है, तो इसमें आपको बहुत सारी धार्मिक कविताएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो रिचर्ड क्रॉशॉ हमने पहले मेटाफिजिकल पोएट किए, इनकी लाइफ जिंदगी डन की तरह रिजेंबल करती है, और लिखने का स्टाइल, थीम एक्सेट्रा जॉर्ज हर्बर्ट की तरह। इनके हमने तीन वर्क लिए, फ्लेमिंग हार्ट, हाइम टू सेंट टेरेसा एंड स्टेप्स टू द टेम्पल। ठीक है जी, सेंट टेरेसा, टेम्पल, आ गया ना रिलीजियस, एंड इवन स्टेप्स टू टेम्पल जो है कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम है। जैसे आप मंदिर चढ़ते हो, उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारी रिलीजियस पोएम्स हैं, इसमें बहुत सारी धार्मिक कविताएं हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, रिचर्ड क्रॉशॉ को भी आपने गूगल कर लेना है, जॉन डन को भी, जॉर्ज हर्बर्ट को भी, और ये जो तीनों वर्क हमने किए, फ्लेमिंग हार्ट, हाइम टू सेंट टेरेसा एंड स्टेप्स टू द टेम्पल, सब गूगल कर लेने हैं। जितने भी राइटर्स आ रहे हैं, जितने भी वर्क आ रहे हैं, जितने भी लिटरेरी टर्म आ रही है, जॉनर आ रहे हैं, सबको आपने गूगल करना है, और इसमें से कुछ तो ऑटोमेटिकली पीछे ही हो गए हैं जो बोले गए हैं, तो यही खूबसूरती है। आगे आप बढ़ते जाओगे, बहुत सारे आपको नेम्स मिलेंगे टॉपिक्स के, राइटर्स के, वर्क के, पर कुछ हो गए होंगे, कुछ नए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि हर स्लाइड में सारा ही आपको करना होगा, कुछ आपका ऑलरेडी हो भी गया होगा, है ना, उनका हुआ होगा जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने मेहनत की है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट राइटर अब हम लेंगे ये, ठीक है, तो आपको पता है कौन से राइटर हैं, काफ़ी शांत सी पर्सनैलिटी इनकी लग रही है, ये हैं दोस्तों हमारे अब्राहम कोले। कौन है अब्राहम कोले, और मैंने बताया था ना, अब्राहम कोले का ही जिक्र करती बार जॉनसन ने पहली बार ये मेटाफिजिकल टर्म यूज़ की थी। सो नेक्स्ट हमारे हैं अब अब्राहम कोले, इनको अगर ध्यान से देखो तो ऐसी पर्सनैलिटी लग रही है, काफ़ी शांत सी एंड काफ़ी मतलब रिच, रिच इन द सेंस नॉलेज में रिच लग रही है,
एक्चुअली जो जितना नॉलेजेबल होता है वो उतना शांत होता है ना, तो नॉलेजेबल में रिच ये पर्सनैलिटी लग रही है, काफ़ी शांत लग रही है। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं इनके पर्सन, पर्सोना, पर्सनैलिटी और वर्क को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमारे लिए काम के हैं। तो दोस्तों, एक तो पहली बात क्या है कि सिर्फ 25 साल की उम्र में ही इनको ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश का मतलब एक खिताब मिल गया था, पहचान मिल गई थी, प्रोक्लेम मिल गया था। यानी किसी 25 साल के ये थे और इंग्लिश में महान पोएट का इनको काइंड ऑफ खिताब मिल गया था कि महान है। ठीक है, मतलब इस उम्र तक इन्होंने बहुत अच्छा काम लिख दिया था, अच्छा लिखा था तभी महान का तबका मिला। सिर्फ लिखने मैटर नहीं करता, अच्छा लिखना मैटर करता है। और दोस्तों, इनके जो वर्क हमने करने हैं, एक है पिंडारिक ओट्स, ठीक है, पिंडारिक ओट्स, और एक है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हार्वे। ओके, तो पिंडारिक ओट्स तो नॉर्मल इनका वर्क आ गया, और ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हार्वे, ये दोस्तों बेसिकली एक एल्गी है, एल्गी होता है जो किसी की डेथ पे लिखी जाती है। तो जो क्रैशॉ थे, क्रैशॉ हमने सबसे पहले राइटर क्रैशॉ ही पढ़े, रिचर्ड क्रैशॉ, इनकी डेथ पे इन्होंने वर्क लिखा था, ऑन द डेथ ऑफ विलियम हार्वे। एल्गी क्या होता है, एल्गी एक मॉर्निंग पोएम होती है, वो मॉर्निंग सुबह वाली मॉर्निंग नहीं, MORNING, मॉर्निंग दुखदाई है ना। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके जो शोक पे हम जो कविता लिखते हैं वो एलिगी होती है। ठीक है, तो अब्राहम कॉले बहुत अच्छे महान राइटर थे, 25 साल की उम्र तक ही इनको महान एक पोएट का दर्जा मिल चुका था। इनके दो वर्क हमने करने हैं, पिंडारिक ओट्स और दूसरा है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हार्वे। ठीक है, जो किसकी डेथ पे एलगी है, रिचर्ड क्रैशॉ की डेथ पे एलगी है, जो रिचर्ड क्रैशॉ खुद भी एक मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने अब्राहम कॉले को भी गूगल कर लेना है, और ये जो दोनों वर्क हैं, पिंडारिक ओट्स एंड ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर विलियम हार्वे, इनको भी गूगल कर लेना है। तो इससे ना, जब आप गूगल करोगे, टॉप पे जो भी 4-5 लाइनें खुली होंगी उसमें राइटर का नेम, वर्क का नेम, किस साल वो वर्क आया, उसकी खास बातें सब दिया होता है, बस उतना करना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, तो अभी के लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोएट, पोएट्री क्या होते हैं देख लिए, और दो पोएट भी उसके तहत ले लिए। आने वाले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और एक और ऑसम ब्लॉसम मेटाफिजिकल पोएट लेंगे। अभी कुछ लेक्चर रहने वाले हैं इन मेटाफिजिकल पोएट्स पे। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये कलरफुल सुंदर कंटेंट, ये गाइडेंस, ये पॉजिटिविटी, ये मोटिवेशन? अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को ज़रूर थम्सअप दें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड साथ में, क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश NTA पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट, सेट, किसी भी स्थान का सेट, राजस्थान, MP, कोई भी MPhil, PhD एंट्रेंस, आप असिस्टेंट कमीशन का, असिस्टेंट प्रोफेशन का कमीशन देना चाहते हैं, तो दोस्तों जस्ट अभी डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन है, पॉकेट पढ़ाई। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पे एक माइंड ब्लोइंग कोर्स आपका वेट कर रहा है इस कोर्स पे, इस पेपर पे। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज आपका वेट कर रही हैं। साथ में दोस्तों, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए स्टडी को लेकर, आप ज़रूर हमें संपर्क करें, मैं और मेरी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी। साथ में दोस्तों, बहुत खूबसूरत परिवार है आपका अपना, हमारा अपना, पॉकेट पढ़ाई का, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा पे उनके लिंक्स भी वीडियो में दिए गए हैं, डू फॉलो अस देयर। इसी नोट पे लेते हैं अलविदा, बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग, मिलेंगे आने वाले सेशन में और ऑसम ब्लॉसम राइटर्स के साथ जो कि हैं मेटाफिजिकल पोएट। टेक केयर, हंसते हंसते कर जाएं पढ़ाई के रास्ते, इश्क मोहब्बत प्यार इंग्लिश लिटरेचर के साथ।